बाबली प्रोजेक्ट का क्षमता ही क्या है, उसमें पानी रुकता ही कितना है। एक्चुअली जब मेरे से यहां के नेता बात किए, मैंने उनसे कहा हर साल गोदावरी में हम सुप गवाह है हमारे आंखों के सामने, कम से कम 2 से लेके 3,000-4,000 टीएमसी जा रहा है समंदर में, और सब हम तमाशा देख रहे हैं, महाराष्ट्र भी, तेलंगाना भी, आंध्र प्रदेश भी और कुछ अन्य जगह भी। क्यों वो पानी जाने दे रहे वहां पे? क्या मजाक है ये? क्यों लड़वाया जा रहा है बाबली के जैसे प्रोजेक्ट के पास, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी आके जजमेंट दे देती है? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट तो कानून माना जाता है हमारे देश में, क्यों ये सब चक्कर? जब यहां के नेता लोग मेरे से बात किया, मैंने कहा को भैया जब तेलंगाना बना मैंने कम से कम 8-10 चक्कर लगाया महाराष्ट्र राज्य का। मेरे मंत्री जो हरीश राव उस समय के मंत्री थे इरिगेशन के, और वहां के हमारे जोगू रामन्ना जी है, इंद्रकरण रेड्डी मंत्री जी है आदिलाबाद से, जिनको लोयर पेनगंगा बनाना था महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच में है, ये लोग कम से कम 25 चक्कर काटे महाराष्ट्र। कई बार नागपुर में सीए ऑफिस में मीटिंग हुआ, मुंबई में हुआ, सह्याद्री गेस्ट हाउस में हुआ, और मैं खुद मुख्यमंत्री होते हुए, आपके माननीय मुख्यमंत्री उस समय के देवेंद्र फडणवीस जी थे, उनके पास जाके उनको मना के, सारे सरकार को, मंत्रियों को, कैबिनेट को मना के मैंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया। मैं महाराष्ट्र के नेताओं से मैं अभी भी अनुरोध करता हूं पब्लिकली, बाबली नहीं, अगर हम समझदार हो, हम सही बात को मानने के लिए तैयार हो, गोदावरी में जो पानी है जो वेस्ट जा रहा है, हम सभी राज्यों के लिए पानी काफी 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 है, हर साल जा रहा है पानी, हर साल। सर कुछ सुनिए भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसमें क्या इतनी भी बुद्धि नहीं है हमारे पास? पार्टी बाजी के नाते केंद्र में अलग सरकार है, यहां अलग सरकार है, वहां अलग सरकार है, इन चीजों को लेके लड़वाया जा रहा है। अगर महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, जिसमें जो भी भागीदार है, चार राज्यों के मुख्यमंत्री बैठो, सुलझाओ, निकालो, जैसा हमने कालेश्वरम के लिए 8 के 10 चक्कर काट के हमने महाराष्ट्र सरकार को मना लिया और प्रोजेक्ट हमारा कामयाब हो गया, बना दिया, भरपूर पानी हम ले रहे हैं अभी, बिल्कुल मालामाल हो गए, तो 3 साल हो गए, पानी 3 साल में बना दिए, 3 साल से पानी मिल रहा है। अब देश में नंबर 2 नंबर 3 के जगह पे आ गए, पंजाब से प्रतियोगिता कर रहे हैं, हमारे गुरनाम सिंह जी को गुस्सा आएगा, लेकिन पंजाब से हम प्रतियोगिता कर रहे हैं धान के उत्पादन में, पहले जो हमारे किसान भी आत्महत्या करते थे, ये बात नहीं हो सकता है। मेरा मतलब यह है भैया, आपने सही क्वेश्चन पूछा, अच्छा यही तो दुख है, इतनी छोटी छोटी चीजें पे हम लड़ जाते हैं, जो 0.4 टीएमसी, 0.1 टीएमसी, 1 टीएमसी भी नहीं है बाबली में, उसके लिए लड़वाया जाता है, और 2,500 टीएमसी वहां जा रहे समंदर में, पानी है गोदावरी में प्राणहिता और इंद्रावती मिलने के बाद, पूरा हमारे आंखों के सामने से जाता है, हर साल जाता है। सिरोंचा जो दीपक दादा जो वहां के एमएलए रह चुके हैं, उनके उनसे लग के सिरोंचा से ही चलते रहता है। हमने कहा भैया उसको रोको, सारे मिलकर ले लो, हमने यहां तक कहा बड़ा मन करके, भीड़ में किल्लत है पानी का, किसी ने बताया मुझे जालना में किल्लत है, क्यों भाई ले लो पानी, क्यों गोदावरी आपके पास है, बैठो आओ समझौता करो, तेलंगाना सरकार के पास आओ, हमारे श्रीराम सागर प्रोजेक्ट से भी लिफ्ट लेके ले लो, हम तो इतना बड़ा दिल से बोल रहे हैं, यस पानी की उपलब्धि है, उसको प्रूव करो और ले लो, दो किसानों को दे दो, जालना में दो, भीड़ में दो, जहां देना दो, क्यों नहीं देना चाहिए? देश वंचित नहीं होना चाहिए, ये संपत्ति देश का है, ईमानदारी की बात करके जो चीज है जनता को बता के सीधा सीधा काम करना चाहिए। सर इसी को लग के प्रश्न है कि हमारा हक क्यों मारा जाता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो पानी रोक देते हैं, और जिस जब हमको पानी की जरूरत होती है तो पानी निकाल लेते हैं वहां से। ये 30 सितंबर का विषय है, तो आपने सही बताया कि पानी बहुत कम है वहां पे, लेकिन उतना भी हमारे लिए बहुत काफी है, क्योंकि 100 गांवों का भविष्य उसके ऊपर निर्धारित। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम भारत होकर है, डीडी न्यूज से हूं मैं। भाई साहब ऐसा ये क्वेश्चन आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पूछना चाहिए। तो हम बैठ के क्यों नहीं इसको सुलझा सकते सर? सर प्लीज, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सर प्लीज सुनिए सर, आपने बताया कि पानी के लिए झगड़े करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारा जो छोटा जो आपसे एक विनती है मेरा, वो तो हमें मिलना चाहिए। आप प्लीज आप इसके लिए बैठिए, सुनिए ना, सुलझा दीजिए, सुनिए ना,
आपसे मेरा विनती है सर, सर आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से या महाराष्ट्र के कैबिनेट से पैरवी कीजिए, वो मेरे पास आ जाए हैदराबाद में, बैठेंगे हम बिल्कुल समझौता करेंगे, इसमें मेरे कोई एतराज नहीं है। सर 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 आप कह रहे थे सर 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 दिस साइड सर दिस साइड राइट सर आप कह रहे थे कि बड़ा घोटाला हुआ है और वित्त मंत्री जो है निर्मला जी कह रहे थे कि सिचुएशन तो नॉर्मल है और जो कि उनके लिए नॉर्मल है भाई, तो सर आप कैसा देखेंगे इस उनके लिए नॉर्मल है, देश के लिए नॉर्मल नहीं है। आप क्या ऐसा है नॉर्मल क्या चीज होता है भैया, देखो समझिए आप ही ने खरीदा, मैंने खरीदा गरीब आदमी, आप जैसे हम दोनों खरीदे समझो, जो 3,850 का एक क्या है उसको बोलते शेयर, एक शेयर था हमको तो मालूम नहीं शेयर था जिसका 1,000 रुपए पे 1,100 रुपए आए तो मामला ठीक है कि बिगड़ गया। निर्मला सीतारामन तो बड़ा अकलमंद औरत है, वो जिसको चाहे जो चाहे बोल देती है। अब आप बोलिए मुझे 4,000 वाला 1,000 पे आया तो अच्छा हुआ कि साफ है मामला कुछ गड़बड़ है, सिंपल बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? देश के वित्त मंत्री के लायक समा कुछ नहीं है, ये तो मामूली आदमी साहूकार बता देगा गांव का। सर आपका डिमांड क्या रहेगा इस पे, मतलब क्यों जेंट पार्लियामेंट्री कमिटी डालो, इंक्वायरी करो, क्यों मना कर रहे सरकार उसमें?